जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। नर्मदा के जलहरी घाट में डूबे दोनों युवकों के मिले शव, 3 दिन से टीम कर रही थी तलाश। सोमवार की शाम को नर्मदा नदी के जलहरी घाट में डूबे दोनों युवकों के शव आज घटनास्थल से कुछ ही दूर पर पानी में तैरते हुए मिले। दोनों युवक कैंट थाना अंतर्गत कटंगा के रहने वाले हैं, जो कि नर्मदा नदी में नहाने गए थे। इस दौरान उनका एक साथी भी था, जो कि डूबने से बच गया। गोताखोरों की टीम 3 दिन से लगातार दोनों युवकों की तलाश में जुटी रही। गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे दोनों युवक जलहरी घाट के कुंड के पास पानी में तैरते हुए नजर आए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद ग्वारीघाट थाना पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पीएम के लिए बॉडी मेडिकल कॉलेज भिजवा दी है। मृतक युवकों के नाम नीशु कुरील और अजय पासी है। अच्छा बता दीजिए, ये 10 मिनट बाद बता दीजिए। पैसा अपना लग जाता ना यार। चलो ठीक है, पूरा कर ले। को जलहरी घाट में अजय पासी और उसका दोस्त नीतू कुरील और सनी कुरील साथ में जलहरी घाट नहाने आए थे। तो सनी कुरील ने बताया कि अजय पासी और नीतू कुरील नहाते समय पानी में डूब गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम किया गया उस दिन। और आज दिनांक को 25/4 को सुबह 8:55 बजे जलहरी घाट पर शव जो है पानी उतराते देखा, जिसको एनडीआरएफ टीम के द्वारा घाट के किनारे लाया गया और जिसकी पहचान परिजनों के द्वारा कराया गया, जिसमें उसके भाई के द्वारा, उसके दोनों के भाइयों के द्वारा और माता पिता के द्वारा अजय पासी और नीतू कुरील की शव की पहचान की गई, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। प्रधान अच्छा का अशोक यादव। ये थी आज की खबर। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।